हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर। पीटीटी और प्री बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपके लिए पूरा मॉडल पेपर 50 क्वेश्चंस के आपके लिखे के आते हैं। तो 50 क्वेश्चंस का लगभग हर हिस्से से, जो कि राजस्थान हिस्ट्री हो, कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, हर हिस्से से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा वीडियो को देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल दबा दें, जिससे बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे सबसे पहले। और वीडियो को अगर आप वीडियो देखते देखते खो जाएँ तो उससे पहले ही वीडियो को कर दें लाइक। तो देखिए दोस्तों, हम मॉडल पेपर की तरफ आ चुके हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 826, ऑप्शन बी 869, ऑप्शन सी 1070, ऑप्शन डी 840। तो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 826 किलोमीटर, यानी राजस्थान के उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। प्रश्न नंबर दो, बेडज, बेनास व मेनाल का त्रिवेणी कहाँ है? यानी BBM यानी बेडस, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बिंगोद, ऑप्शन सी रामेश्वर, ऑप्शन डी पिकनाहट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिगनौद, यानी बेडस, बनास और मेनाल बिगनौद नामक स्थान पर मिलते हैं। तीन नंबर प्रश्न है, राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? यानी जो राजस्थान नहर था पहले, इंदिरा गांधी नहर का नाम राजस्थान नहर था, इसका नाम इंदिरा गांधी कब रखा गया? ऑप्शन ए 84 में, नवंबर 84 में, नवंबर 83 में, नवंबर 85 में, नवंबर 87 में। तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 84 में। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है, यानी राजस्थान में मानसून कब चेंज होता है, प्रत्यावर्तन होता है? मई या जून, जून जुलाई, अक्टूबर दिसंबर या जनवरी। तो सही उत्तर होगा अक्टूबर। राम सागर वन विहार कहाँ है? धौलपुर में है, कोटा में है, भरतपुर में है कि झालावाड़ में? तो सही उत्तर होगा कोटा। रामसागर वन विहार कहाँ है? कोटा में। अगला प्रश्न है, अनार के उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त करता है? जोधपुर, झालावाड़, पाली, टोंक। तो सही उत्तर होगा झालावाड़। किसे रक्तमणि भी कहा जाता है? तांबड़ा को, पन्ना को, जस्ता को या शीशा को? तो सही उत्तर होगा पन्ना, पन्ना को ही रक्तमणि कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में कपड़ों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है पाली, जोधपुर, दो बार जोधपुर लिखा गया, पाली, जोधपुर या जयपुर? और डी है सभी, तो तीनों सही है। यहाँ पर जयपुर आना था, गलती से दो बार लिखा गया, सॉरी दोस्तों। धौलपुर विद्युत परियोजना किस पर आधारित है? लिग्नाइट, गैस, नेफ्ता या डीजल पर? तो सही उत्तर होगा नेफ्ता, सही होगा नेफ्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है? जैसलमेर, चूरू, जयपुर, बाड़मेर? तो सही उत्तर होगा जयपुर। राज्यपाल की योग्यता उम्र क्या है? 30, 35, 34 या 25? तो सही उत्तर क्या होगा? 35। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो सही उत्तर होगा क्या होगा? राज्यपाल। अगला प्रश्न, पंचायती राज किस अनुच्छेद में है? 42, 41, 45 और 40? तो सही उत्तर होगा 40। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शेखावाटी सर्किट में शामिल नहीं है? खाटू श्याम जी, हर्ष, आबानेरी या जीण माता? तो सही उत्तर क्या होगा? आबानेरी। शरद महोत्सव किस माह में मनाया जाता है? फरवरी, जनवरी, दिसंबर, जून? तो सही उत्तर क्या होगा? दिसंबर। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? वैदिक सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, बनास सभ्यता या मौर्यकालीन? तो सही उत्तर क्या होगा? मौर्यकालीन। मिहिर बोध ने शासन किया था 20 साल, 50 साल, 30 साल या 40 साल? तो सही उत्तर क्या होगा? 50 साल। जयनिवास महल का जय सिंह सेकंड द्वारा कब निर्माण करा गया? 1725, 1727, 1625, 1772? तो सही उत्तर होगा 1725। अगला प्रश्न है, चौहानों की प्रारंभिक राजधानी थी दिल्ली, अजमेर, सांबर या अही छत्रपुर? तो सही उत्तर होगा अही छत्रपुर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन ने शिवाना के किले को जीतकर उसका नाम बदलकर क्या रखा? सुल्तानपुर, खैरबाद, फिरोजाबाद, खिजराबाद? तो सही उत्तर क्या होगा? खैरबाद। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1301, 1302, 1303, 1304? तो सही उत्तर क्या होगा? 1303। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? 57, 52, 50 या 56? तो सही उत्तर क्या होगा? 56। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह, नवरूप सिंह, पाल सागर, राज सिंह? तो सही उत्तर क्या होगा? भूप सिंह। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, बूंदी? सही उत्तर क्या होगा? डूंगरपुर। राव जयसिरो छंद के रचनाकार कौन है? पद्मनाभ, अलबरूनी, बिट्ठू सुजा, उदतन सूरी? सही होगा बिट्ठू सुजे।
किस प्रजामंडल में राजस्थान में राजनीतिक कार्यों को हाथ में लेने का प्रथम प्रयास किया? मारवाड़, मेवाड़, कोटा, नागौर। सही उत्तर होगा मारवाड़। जेतरान का युद्ध लड़ा गया था 1544, 1525, 1554, 1543। तो सही उत्तर होगा 1544। विजयगढ़ का किला कहाँ निर्मित है? मेनाल, भरतपुर, जयपुर, सिरोही। तो सही उत्तर होगा मेनाल। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को, सिरोही को, डूंगरपुर को, बाड़मेर को। सही उत्तर होगा भरतपुर। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य था? कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो सही उत्तर होगा कोटा। भील जनजाति के लोगों घर कहलाते हैं? पाल, फेला, बस्ती, कु। तो डी उत्तर होगा कु। राजकुमारों को दूध पिलाने के लिए किस जाति की महिलाओं को दायक रखा जाता था? गुज्जर, माली, सहरिया, जोगी। तो सही उत्तर होगा गुज्जर। कुमारी स्वाति खत्री किस से संबंधित है? कथक नृत्य, जंग नृत्य, गरबा नृत्य और पणिहारी नृत्य। तो सही उत्तर होगा कथक नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ नहीं किया जाता? बीकानेर, शेखावटी, भरतपुर, मारवाड़। तो इसका उत्तर है कहाँ नहीं किया जाता। तो डांडिया नृत्य बीकानेर, इसमें भारत बीकानेर में शायद नहीं किया जाता। इसका मैंने उत्तर लिखा नहीं, गलत हो गया। वह वाद्य यंत्र जिनका आकार चिल्लम के समान होता है, तो बी क्या होगा? सहनाई। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सिंह से किया जाता है, तो इसका होगा सिंगी। अगला, किस क्षेत्र की नोट की नोटंग की लोकप्रिय? तो ए भरतपुर की। गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था? तो सी होगा नीला। चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं? सतला, चरजा, चरखा, चरसी और बी चरजा। संत जसनाथ का जन्म कब हुआ था? तो सही उत्तर होगा इसका 1539। मोक्ष हेतु राम का नाम अपनाने वाले प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बी होगा श्री रामचरण जी महाराज। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ए होगा करौली। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? ए कोलायत में। विवाह से संबंधित रस्में होती हैं? पैरावणी भी होती है, कांकनडोडा भी होती है, बरीपटला भी होती है। अगला प्रश्न, जब बारात वधु पक्ष के घर पहुंचती है तो वधु पक्ष वाले वर पक्ष की अगवानी करते हैं? डी उसे कहते हैं अगवानी भी कहते हैं, शामिल भी कहते हैं, समझेला भी कहते हैं। अलरी, अमरशाही, शिवशाही, उदयशाही का संबंध किससे है? रस्म रिवाज से, जूतियों से, पगड़ी से, अंगरखी से। तो सही उत्तर होगा पगड़ी है। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? अंगरखी को ग्रामीण भाषा में भुगतरी, डबकिया, पोमचा, घूगी। यानी सही उत्तर होगा भुगतरी। राजस्थान में सुरलिया आभूषण पहना जाता है? ए नाक, बी कान, सी गड़ा, डी सिर। तो सही उत्तर होगा नाक, ए कान। टाडा का नाम है कड़ा, बाजूबंद, बाहुबंद, गोखरू। तो सही उत्तर होगा कड़ा। अलवर शैली का स्मरण युग किसका काल माना जाता है? बख्तावर सिंह, प्रताप सिंह, सावन सिंह, विनय सिंह। तो सही उत्तर होगा डय सिंह। तो मेरे BSTC के और PTT के प्रिय स्टूडेंट्स, आपके लिए ये था राजस्थान सामान्य ज्ञान मॉडल पेपर 1। उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, स्टैंडर्ड के लगे होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मॉडल पेपर कैसा लगा। अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो पहली बार आए हैं इस चैनल पर, वो चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना, जिससे BSTC और PTT से संबंधित सारे वीडियोज़ आपके पास पहुँचेंगे सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।